नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक भाई। आज जी, आज प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न तीन और घोषित कर दिए। चौधरी चरण सिंह हो गए, नरसिंहा राव जी हो गए, उससे पहले भी कई घोषणाएँ हुई। क्या चुनावी माहौल देख के इस तरह की घोषणाएँ हो रही हैं, ऐसे विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि डिजर्विंग किया गया और ये हम आभारी हैं आदरणीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री के, जिन्होंने चरण सिंह जैसी शख्सियत को, चौधरी चरण सिंह जो देश के किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने जीवन भर किसानों के लिए, उनके कल्याण के लिए काम किया, संघर्ष किया, और जिन्होंने एक नारा देने का काम किया कि देश की तरक्की का रास्ता गाँव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। तो ऐसे चरण सिंह जी को, जिन्होंने जीवन भर खून पसीना बहाने वाले किसानों के लिए अपना समर्पित करने का काम किया, उनको अगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया गया है, तो बहुत बहुत कृतज्ञता, बधाई। नरसिंहा राव जी, जिन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए और नए नए उस समय के दौर में, जब भारत बहुत कठिन आर्थिक विषम परिस्थितियों में और राजनीतिक विषम परिस्थिति गुजर रहा था, उस समय भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा जी, उनका सम्मान दिया। आपको जमीनी नेता माना जाता है, आपने ग्राम प्रधान स्तर से राजनीति शुरू की और आज कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत लंबे अरसे से जनता के बीच में है और जनता की नब्ज को समझते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता जो जिनमें बहुत लोकप्रिय थे, जनता के बीच में थे, लेकिन किसी सरकार को कभी ख्याल नहीं आया कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। तो क्या मोदी जी ने नब्ज समझ ली है कि ये लोग इन सब इस समय इन लोगों के नामों की घोषणा करके उनको फायदा मिलेगा कुछ? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच बहुत ही दूरगामी और प्रैक्टिकल रहती है। जिन लोगों ने वास्तव में देश के लिए अपने जीवन को समर्पित भाव से अर्पित करने का काम किया, क्या कपूर ठाकुर हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, मां नरसिंह राव जी हों, उन लोगों को सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आदरणीय मोदी ने उनकी महत्व को समझा, उनके देश के लिए योगदान को समझा और सही समय पर सटीक निर्णय लेकर के बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, बधाई के योग्य कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में पहले तमाम और विभाग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, लेकिन पिछले 10 साल, मतलब योगी जी का 6ठा साल ये है, पर्यटन विभाग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इस विभाग ने उत्तर प्रदेश में काम भी बहुत किए हैं, चाहे बनारस का हो, चाहे तमाम अलग अलग सर्किट बना के काम किया हो, राम मंदिर का निर्माण है ही। क्या मतलब अब आपका क्या सपना है, उत्तर प्रदेश को किधर ले जाना चाहते हैं? देखिए, भारत की आगे, भारत को आगे ले जाने का काम, प्रदेश को आगे ले जाने का काम, भारत की मूल संस्कृति को बढ़ावा देते हुए हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके धरातल को तैयार करते हुए, अपनी विरासत का सम्मान देते हुए हम विकास की ऊंचाइयों पहुंचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा धार्मिक टूरिज्म की बात करें, आध्यात्मिक टूरिज्म की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, तमाम मान्य ऐतिहासिक स्थलों की उपलब्धता की बात करें, उत्तर प्रदेश का कोई सानी नहीं है। लेकिन इन जो प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं, प्रचुर रूप से यहाँ चीज़ें उपलब्ध हैं, उनका न ब्रांडिंग हो पाई, न मार्केटिंग हो पाई, न उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए पिछली सरकार ने कोई काम किया। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए और खास रूप से धार्मिक स्थलों के विकास के लिए अलग अलग सर्किट बना करके पूरे प्रदेश को सुनियोजित तरीके से पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन स्तर पर पहुंचाने का निर्णय लिया, हम लोगों को सौंपा। और उन सर्किट्स पर आप देख रहे होंगे, किसी भी प्रदेश में कोई भी पर्यटन डेवलपमेंट के लिए पहली जो मानक है वो है उस देश प्रदेश में कानून का राज हो, कोई पर्यटक तब आएगा तो उसका जीवन और संपत्ति और यात्रा सुरक्षित होगी। खुशी है 17 के बाद उत्तर प्रदेश में बीमारू राज से उभरता, दमकता, चमकता प्रदेश बनने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का आप जान रहे हैं, जब से बाबा जी का बुलडोजर चलाया, गुंडे अपराधी पलायन कर गए या ऊपर पहुँच गए या जेल में, उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का परफेक्शन बदला है, उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बदली है। और जो लोग उत्तर प्रदेश को देखना नहीं चाहते थे, उत्तर प्रदेश के लोगों को एक चोर की बात ट्रीट करते थे कि यूपी का भिकमंगा होगा, मजदूर होगा, चोर टाइप का होगा, आज परफेक्शन बदला है देश और दुनिया में। उत्तर प्रदेश के अगर कोई बताता है तो लोगों की धारा बदली, लगता है अच्छे व्यक्ति होंगे, उभरता हुआ प्रदेश है।
उस धारणा का लाभ हमें ये मिल रहा है कि लोग निवेश भी ला रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अब देख रहे हो, काशी का कॉरिडोर जब से आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से उसका कॉरिडोर बना, लाखों तीर्थयात्री प्रतिसाल वहाँ आने का बढ़ोतरी हुई। अयोध्या की हालत देख रहे हैं, पीएम साहब के बार बार के अनुरोध के बाद, सीएम साहब के बार बार के अनुरोध के बावजूद लाखों लोग पलट आ रहे हैं। जब कहा गया कि फरवरी के महीने में लोग अपनी यात्रा का कार्यक्रम अयोध्या का न मनाएं, उसके बावजूद आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं मंत्री जी कि आपके सरकार ने, आपके विभाग ने पर्यटन के क्षेत्र में, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। लेकिन धार्मिक पर्यटन के अलावा भी उत्तर प्रदेश में जैसे बुंदेलखंड में ऐतिहासिक किलों की तमाम थाती है ऐसी जिसको सहेजना बाकी है, जिसमें भी बहुत काम किया जाना बाकी है, क्या इस दिशा में कुछ विभाग आपका काम कर रहा है? हम न सिर्फ ये तो हमारे हैं पर्यटक अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्यवासिनी धाम, लेकिन हमारा बुंदेलखंड की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, किले हैं, जो वहाँ की तमाम परिसंपत्तियाँ हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको शीर्ष प्राथमिकता पर हम लोग डेवलप करने का निर्णय लिया है। तमाम किलों को अभी हम लोगों ने निकाले हुए हैं, जो पुराने हेरिटेज बिल्डिंग थे, लखनऊ की हों, बुंदेलखंड की हों, इनको अभी PPP पर डेवलप कराने के लिए काम कर रहे हैं। और राजस्थान की तर्ज पर इनको डेवलप करके हम लोग बेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर अन्य महोत्सवों के लिए किलों के रूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश एक उभरता हुआ ऐसा प्रदेश होगा जिसकी बड़ी रेवेन्यू, बड़ा राजस्व हमारे पर्यटन से प्राप्त होगा। कोई भी पर्यटक जब आता है तो एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर देके जाता है। अब चाहे बनारस हो, अयोध्या हो, वहाँ की संपन्नता और खुशहाली का पैमाना हो गया कि दोनों मंदिरों के बाद जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, फूल बेचने वाला माली, छोटे छोटे रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले दुकानदार जो 500 रुपये कभी कमाते थे दिन भर में, आज 5,000-10,000 रुपये पर डे करके जा रहे हैं। जो होटल में ऑक्यूपेंसी के 20-25% काशी और अयोध्या जगह रहती थी, आज 100% ऑक्यूपेंसी के बावजूद मनमाने रेट पर कमरे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इकोनॉमी नाविक हैं, केवट हैं, कभी आ गया ग्राहक आ गया, वहाँ गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। ये खुशहाली का प्रतीक बनेगा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ेगा और राजस्व के मामले में भी इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हमारा पर्यटन विभाग करेगा। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने शक्तिपीठों में भी विकास बोर्ड गठित किए हैं, शक्तिपीठों जैसे नैमिषारण्य है, मिर्ज़ापुर है और भी तमाम जगहों पर, तो राजधानी के बहुत नज़दीक है नैमिषारण्य, यहाँ पे भी जाने की उतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं, 4 लेन सड़क या कि इस दिशा में कुछ काम हो रहा है? आपने ठीक अभी ये विषय उठाया जी, हालांकि विस्तार में हम लोग नहीं जाना चाह रहे, समय बिल्कुल थोड़ा अभाव है। नैमिषारण्य शीर्ष प्राथमिकता हमारी है और नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन हमने किया है जी, और उसके लिए इस साल अलग हेड खोल के हमने बजटीय व्यवस्था भी वहाँ के लिए की है। और मैं समझता हूँ कि प्लान, पूरा प्लान उसका मास्टर प्लान तैयार है, और मास्टर प्लान तैयार होकर आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जिस तर्ज पर अयोध्या और काशी का विकास होगा, उसी तर्ज पर हम नैमिषारण्य का समुचित विकास करने जा रहे हैं। और चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या अन्य संसाधन सुविधा, पर्यटन सुविधा देने की बात हो, जबरदस्त आपको दिखाई पड़ेगा। और एक चीज आश्चर्य करना चाहते हैं कि हम पूरे देश में डोमेस्टिक पर्यटकों को आकर्षित करने में 2022 में प्रथम स्थान पर आ गए, 2023 के आंकड़े में हम लोग उससे भी बहुत ऊपर निकल गए। आने वाले दिनों में देश का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन UP बनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के विकास में पर्यटन की बड़ी भूमिका होने जा रही है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल बस, क्या मैनपुरी, अब चूंकि लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी एक चुनौती है और आप मैनपुरी सदर से आप चुन के आए हैं, तो आप कैसे मैनपुरी लोकसभा सीट भाजपा जीत के आए, क्योंकि चुनौती है, कैसे उसको आप? देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं मिशन 80 जी, अब की बार 400 पार जी, दोनों नारे हुए हैं, 80 में मैनपुरी भी शामिल है, वो अलग नहीं है जी। जब मिशन 80 पूरा होगा, मैनपुरी भी इस बार हमारा सांसद जीतेगा, हम लोग 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश जीत करके आदरणीय मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में महती भूमिका निभाने का काम उत्तर प्रदेश करेगा। मंत्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित ये थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।